अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स आज की क्लास में, आज के सेशन में एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम टीनोफोरा के आगे से दो से तीन किंगडम, बेसिकली टारगेट होगा फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस और एस्कल्मिंथस। वर्म्स के बारे में जानेंगे और वर्म्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है, आज का जो डिस्कशन है, वो उसके ऊपर है। सो मोस्ट वेलकम टू द क्लास। और पिछली क्लास में यानी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखनी है आपको। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द डे, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस। ये टीनोफोरा के बाद का फाइलम है और यहाँ से एनिमल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गेन्स आ जाएंगे, ठीक है, टिश्यू सिस्टम्स आ जाएंगे। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, अभी तक हमने जितने भी एनिमल पढ़े हैं वो सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं, बट यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपको मिलेंगे। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस, इसको फ्लैट वर्म कहा जाता है। प्लेटी शब्द फ्लैट से लिया हुआ है और हेल्मिंथ वर्म है। इसमें फ्री लिविंग, पैरासिटिक दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं। क्लास तीन होती है इसमें, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या है। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। चिपटी चिपटी सी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है इनकी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, बॉडी का डोर्सल और वेंट्रल साइड बिल्कुल फ्लैट होता है, इसीलिए फ्लैटेंड बोलते हैं इनको। देन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये आपने अभी तक फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि एनिमल किंगडम में फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस से एनिमल में तीन जर्मिनल लेयर्स पाई जाने लग गई, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यहाँ पर मेसेनकाइम और मेसोग्लिया रिप्लेस हो जाएगा सॉलिड मेसोडर्म से। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म तो पहले से था, एंडोडर्म अंदर की तरफ है, मेसोडर्म ये नई लेयर बन गई जो आगे चल के सिलोम बनाएगी, और एक्टोडर्म बाहर की तरफ। प्लेटीहेल्मिंथस में एक पॉइंट और नोट करिएगा क्लास, दे डोंट हैव सिलोम। मेसोडर्म तो बन गया लेकिन मेसोडर्म से सिलोम नहीं बनता, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करेंगे, ए सिलोमेट्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट में प्लेटीहेल्मिंथस आएगा और डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट्स में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरन्स आएंगे, ठीक है। ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको ऑर्गेन्स मिलेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईज का पहला डेवलपमेंट प्लेटीहेल्मिंथस में हुआ, फेरिंग्स, माउथ स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और इसमें जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो फ्री लिविंग, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कोई पैरासाइट नहीं होता, फ्री लिविंग होता है। एंड पैरासिटिक में जैसे टीनिया सोलियम है, फैसियोला हिपैटिका है, तो ये भी, ठीक है। अब जितने भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में सकर्स होते हैं जो पैरासाइट है, ताकि वो होस्ट से अपने आप को, अपनी बॉडी को अटैच करके रख सकें। इनके पास होस्ट्रा होता, होस्टोरियम होता है, ठीक है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं। हुक्स होते हैं जो पैरासाइट को होस्ट के बॉडी से अटैच करके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने में पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है। देन दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं होता ये सब। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि रेडीमेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते, ये सब जो होते हैं दे आर नॉट डेवलप्ड, होते नहीं है यार, डेवलप नहीं है। और आगे चलेंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस बनते हैं। डेवलपमेंट जो होगा प्लेटीहेल्मिंथ का इनडायरेक्ट होता है, दे आर हैविंग लार्वल फॉर्म्स, ठीक है, जैसे रीडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, सिस्टी सर्कस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेजेस आते हैं यहाँ पे। ओवी पेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और तीन क्लास में फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस को डिवाइड किया गया है। टर्बिलेरिया बॉडी पाइप की तरह होती है, ट्रिमेटोडा, फेसियोला, हिपैटिका इसमें आता है, प्लेनेरिया टर्बिलेरिया में आता है। और प्लेटीहेल्मिंथ का सबसे ज़्यादा पैरासाइट जो वर्म होता है, जैसे
क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम वगैरह, वो सिस्टोडा में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार एनसीईआरटी से डिस्कशन करके देखते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन पढ़ने वही पॉइंट हैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन पोरीफेरा, तो ये 4.2.4 पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 51, ठीक है। फाइलम प्लेटीएलमिंथस को देखिए क्लास, फ्लैट वर्म्स को देखिएगा, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो ये बेसिकली दे आर कॉल्ड व्हाट, बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, फ्लैट वर्म्स बोलेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, दो एनिमल्स हैं, एक आपको ट्रिमेटोडा का दिख रहा है, फैसिओला हेपेटिका, शिप लिवर फ्लूक इसको बोलते हैं, और टीनिया सोलियम एकदम रिबन जैसी दिख रही है आपको, काफ़ी लंबा वर्म होता है। इसका प्राइमरी होस्ट पिग और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। टीनिया सेगिनेटा बीफ टैप वर्म इसको कहते हैं, ये पोर्क टैप वर्म है टीनिया सोलियम। ज़्यादातर होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह होते हैं, ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन तक को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म्स की बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल, वन फिक्स प्लेन से अगर आप एनिमल की बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में आपको मिलेगा। हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं पैरासाइट्स में, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। फ्लेम सेल्स जो है, इस सेल की अरेंजमेंट और इसका कलरेशन ऐसा है, बिल्कुल देखने में लगता है जैसे कैंडल फ्लेम है। ये सोलेनोसाइट्स के नाम से या प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं। जेंडर का सेपरेशन नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है। और इसके कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया, उसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, एक से कई बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। प्लेटीएलमिंथस के बाद जो नेक्स्ट फाइलम है जिसमें राउंड वर्म्स आएंगे, दिस फाइलम इज कम टू बी नोन एज फाइलम एस्किल्मिंथस, इसको एस्किल्मिंथस बोलते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, इसमें राउंड वर्म्स क्लियर हैं आपको, राउंड वर्म्स में देख पा रहे हैं दो बॉडी है, मेल और फीमेल की अलग अलग बॉडी है, मेल थोड़ा लेंथ में कम होता है, फीमेल लेंथ में लंबी होती है। इसकी टेल जो होती है, जो फीमेल की टेल आप देख रहे हैं, ये हाईली कर्व्ड होती है, लेकिन मेल की टेल और फीमेल की टेल को देख करके अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि इसमें एस्कैरिस मेल कौन है, फीमेल कौन है। एज द टेल ऑफ द मेल, आप मेल की टेल के पास दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखोगे जिसको पीनियल सेटी बोलते हैं, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो मेल्स में होता है, ठीक है ना। फीमेल्स डोंट हैव पीनियल सेटी, जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है कि एस्किल्मेंथस में राउंड वर्म मेल और फीमेल कौन कौन है। डाइमॉर्फिज्म कहते हैं इसको, जब मेल और फीमेल को देख करके पता लग जाए। राउंड वर्म जो होते हैं, बॉडी क्यों राउंड वर्म इनका नाम पड़ा, बिकॉज सिलेंड्रिकल बॉडी होती है लेकिन जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो एकदम सर्कुलर आउटलाइन आती है, दैट इज द नेम की राउंड वर्म्स इनका नाम पड़ गया। फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल पैरासाइट्स भी होते हैं, मतलब पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक फॉर्म्स दोनों अवेलेबल हैं। राउंड वर्म्स की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ह्यूमन में भी होता है। सिमेट्री बाइलेटरल होती है, वन फिक्स प्लेन से कट करने पर इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों होते हैं, और सीडोसिलोमेट्स होते हैं, बिकॉज सिलोम जो होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, वो मेसोडर्म से नहीं बनती, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और एनस बॉडी में पॉइंट ऑफ इंजेशन और इजेशन दोनों पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है एक बॉडी में, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो इनके पूरे बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है,
दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर, जेंडर का सेपरेशन होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है बिकॉज ये बिल्कुल क्लियर होता है मेल फीमेल बॉडी को देख करके विच वन इज मेल एंड फीमेल. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस से ह्यूमन में एक बीमारी होती है एस्केरियासिस, जो क्लास 12th में डिस्क्राइब भी करनी है. फीमेल्स की बॉडी मेल से ज़्यादा लंबी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, दे या नॉर्मली डायरेक्ट होता है बट सम ऑफ देम आर इनडायरेक्ट ऑल्सो. ठीक है, जिसमें जो एस्केरिस होता है इसमें जो लार्वा बनता है उसको रेबडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं. सेकेंड जुवेनाइल स्टेज इसका एस्केरिस का ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होता है. एक फाइलेरियल वर्म है, एलिफेंटियासिस डिजीज होती है फाइलेरियल वर्म वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई. ठीक है, इसका कोई भी लार्वा नहीं होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है. एंड साइलोस्टोमा, इसको हुक वर्म कहते हैं. लोवा लोवा पिन, इसको आई वर्म कहते हैं. स्किस्टोसोमा ब्लड फ्लू कहा जाता है. तो कई डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो एस्केल्मिंथस को बिलोंग करते हैं, वर्म्स पैरासाइट्स हैं बेसिकली. और ये फाइलम एस्केल्मिंथस के बाद एक फाइलम और ले लेते हैं, फाइलम एनिलिडा. फाइलम एनिलिडा अर्थ वर्म्स का फाइलम है. एनिलिडा में ये जो एनुलस वर्ड है ये रिंग, इसका मतलब होता है जैसे आप देख पा रहे हो बॉडी को, एक लीच की बॉडी है और एक निरिस की बॉडी है, निरिस. ठीक है, और यहाँ पे ये निरिस जो होता है इसमें मेल फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, सैंड वर्म या क्लैम वर्म कहते हैं इसको. जबकि हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा जो इंडियन कैटल लीच है ये मोनोशियस होता है, मेल फीमेल में सेम बॉडी पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. अर्थवॉर्म भी आपका मोनोशियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है. एनुलस वर्ड रिंग मतलब बॉडी का अरेंजमेंट, जैसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होती है. ये पानी में पाए जाते हैं ज़्यादातर, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म्स में. वेरी गुड मॉर्निंग, 11 बजे से 11:30 बजे तक क्लास चलती है, डेली चलती है. ठीक है, एनिमल किंगडम का रिविज़न चल रहा है. और एनिलिड्स के बेसिक कैरेक्टर आप कैरेक्टर देख के बता सकते हैं कि एक्वेटिक अगर है तो फ्रेश वाटर और मेराइन फॉर्म दोनों में होगा. ज़्यादातर ये भी पैरासाइट हो कुछ सॉरी ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं बट सम ऑफ देम आर पैरासिटिक ऑल्सो. ऑर्गेन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में ऑर्गेन्स होंगे, ऑर्गेन सिस्टम होगा. सिमेट्री बॉडी की बाइलेटरल है, यू कैन कट एनिमल इंटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम वन ओनली वन फिक्स प्लेन ऑफ कटिंग. ठीक है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म तीनों होते हैं. बॉडी को चैमरलाइज किया जाता है अंदर और बाहर से, दोनों तरफ से अंदर ये सेगमेंट्स में पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और मैकेनिज्म को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं. बॉडी सरफेस जो है निरिस की बॉडी ही या अर्थवॉर्म की बॉडी, अगर आप इसको देखें तो पार्ट वाइज करके एकदम क्लियर होता है, जैसे पीसेज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स एज वेल. ठीक है, और फाइलम जो नाम है एनिलिडा, ये एनुलस एक लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब ही होता है रिंग्स. बॉडी में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये एनिलिड्स चल फिर सकते हैं. एक्वेटिक एनिलिड्स जो हैं जैसे निरिस है, इट इज़ हैविंग अ स्पेशल अपेंडेजेस जिनको पैरापोडिया कहते हैं. पैरापोडिया का फंक्शन नीट में बहुत आता है. पैरापोडिया का काम स्विमिंग में हेल्प करना है, साथ में पैरापोडिया रिस्पायरेशन में हेल्प भी करता है. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन की तरह वर्टिब्रेट्स की तरह क्लोज होता है. वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करेगा. दे आर हैविंग नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन यानी बॉडी का साल्ट वाटर बैलेंस मेंटेन करेगा. न्यूरल सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया पाई जाती है. ठीक है, जो लेटरल नर्व से जुड़ी है. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, यानी वी कैन से कि न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होती है जो लेटरल नर्व बॉडी की साइड वाली नर्व से जुड़ी है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है. निरिस एक एक्वेटिक एनिलिड है, पानी में पाया जाएगा और इसमें सेक्स जो होता है वो जेंडर मेल फीमेल का अलग अलग होता है. ठीक है, अलग अलग डायोशियस बॉडी है. जबकि फेरिथेमा पोस्तुम अर्थवॉर्म और लीचेस जो होते हैं वो मोनोशियस हैं. रिप्रोडक्शन प्योरली सेक्सुअल होता है और ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं. ये तीन एग्जाम्पल निरिस डायोशियस याद रखना,
फेरेतेमा पोस्तुमार्थवम मोनोशियस हिरुडिनेरिया, जिसको इंडियन कैटल लीच या ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, दिस इज व्हाट, ये आपका मोनोशियस है। आज के लिए सिर्फ इतना, हमने तीन फाइलम डिस्कस करा, प्लेटीएलमिंथस, एस्कलमिंथस और एनिलिडा। कल हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कल इनवर्टिब्रेट्स खत्म हो जाएंगे, कल 11 बजे आइएगा क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच क्लास, वेलकम नवीन। सेशन तो खत्म है, 11 से 11:30 बजे तक क्लास चलती है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे, क्लास 12th के MCQs चल रहे हैं। इफ़ यू नीड सम प्रैक्टिस फॉर MCQ देन यू कैन ज्वाइन माई सेशन, जिसमें CBSE क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का जो सेशन है वो अन अकेडमी के CBSE चैनल पर यूट्यूब पर चल रहा है डेली 5 to 6 PM। टाइमिंग 5 से 6 है और मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है। 60 क्वेश्चन, एक घंटे में कम से कम 60 क्वेश्चन MCQs के, ठीक है, ओके। और मेरी, हाँ, इस क्लास की टाइमिंग कल सेम होगी। ये क्लास, ये जो चल रही है ना 11 AM मेरे अपने चैनल पे, वो सेम है 11 AM मंडे टू फ्राइडे। इसमें मैं मंडे से, मतलब आने वाले मंडे से, आई थिंक जो डेट है कमिंग मंडे 22 मार्च, 22 मार्च से CBSE बोर्ड के लिए क्लास 12th का जो फाइनल होने जा रहा है उसके लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स। तो अगर क्लास 12th का कोई स्टूडेंट है क्लास में तो उसके लिए 22 मार्च से ये 11 बजे वाली क्लास में सेशन शुरू होगा। और मैं अपना जो नया कोर्स है, नया बैच है इसी चैनल पे, वो हम डिस्कस करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच, टिल देन पढ़ते रहिए। और कोई भी बायोलॉजी के डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।